आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहू और बीवी से बेब तक का सफर तय किया है। इन्होंने शुरुआत की थी छोटे पर्दे से, पॉपुलैरिटी भी बहुत मिली, इनफैक्ट फिल्मों में भी ये सुपर हिट रही, लेकिन आज ये बॉलीवुड से गायब है। बात करेंगे टीवी से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी प्राची देसाई की। प्राची देसाई की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी। कब एक शौक को पूरा करने के चक्कर में प्राची देसाई को मिल गया एक्टिंग का ऑफर, क्यों एकता कपूर जो प्राची देसाई की मेंटोर थी उन्हीं को प्राची देसाई ने किया डिच, और कैसे अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर के साथ अफेयर के कारण हो गई बॉलीवुड से गायब। प्राची देसाई एक गुजराती फैमिली से आती हैं। इनके पेरेंट्स दोनों ही टीचर हैं और इनकी एक बहन भी है। प्राची देसाई की इनिशियल स्कूलिंग कुछ टाइम के लिए सूरत में हुई, उसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की पंचगनी के सेंट जोसेफ स्कूल से, और उसके बाद जूनियर कॉलेज के लिए वो सिंघर कॉलेज चली गई, और वहीं पर 12th स्टैंडर्ड के दौरान उन्होंने ऐसे ही एक एक्टिंग की वर्कशॉप अटेंड की। 18 डेज का ये कोर्स होना था और उसी दौरान अलग अलग चीजें सिखाई जानी थी। तब प्राची देसाई को पता चला कि बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑडिशन हो रहे हैं और उन्होंने इन ऑडिशंस में ट्राई किया। वो ऑडिशंस के लिए सेलेक्ट हो गई और उसके बाद उन्हें मुंबई बुलाया गया। वो मुंबई आने के बाद पुणे कभी गई ही नहीं क्योंकि उन्हें ऑफर इतना अच्छा मिला था। जी हाँ, 12th की पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही प्राची देसाई मुंबई आ गई थी। एकता कपूर ने उन्हें साइन कर लिया था अपने टीवी सीरियल कसम से के लिए। इस टीवी सीरियल में राम कपूर के साथ वो नजर आई थी, बानी का किरदार उन्होंने निभाया था और प्राची देसाई तब मात्र 17 साल की थी। इतनी सी उम्र में उन्होंने जिस तरीके से इस बानी के कैरेक्टर को निभाया और अपने आप को प्रेजेंट किया एक मैच्योर एक्टर के रूप में, बानी का किरदार इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि हर घर में बानी को चाहने वाले लोग थे। टीवी पर प्राची देसाई हिट हो गई थी। लेकिन वहीं अगर बात करें प्राची देसाई की खुद की, तो वो अपने करियर में और भी कुछ ट्राई करना चाहती थी। एक्चुअली जब कसम से में एक बहुत बड़ा लीप आने वाला था, प्राची देसाई को ऐसा कैरेक्टर करना था जिसमें उनके बच्चे 16-17 साल के हो, तब प्राची देसाई ने इस शो को छोड़ने का डिसीजन ले लिया क्योंकि वो इतनी सी उम्र में इतने ज़्यादा एजेड वाले रोल्स नहीं करना चाहती थी, और यहीं से उन्होंने छोड़ा कसम से। इसके बाद प्राची देसाई हमें नजर आई झलक दिखला जा में, एक अलग ही अवतार में प्राची देसाई नजर आई, और इसके थ्रू लोगों को पता भी चला कि ये सिर्फ गर्ल नेक्स्ट डोर वाले किरदार नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है और बहुत ही यंग है, क्योंकि सीरियल में हमने उन्हें बहुत ही मैच्योर किरदार निभाते हुए देखा था। झलक दिखला जा में एक तरह से प्राची देसाई नजर आई थी अपनी इमेज को ब्रेक करने के लिए। कुछ टाइम बाद इस शो से वो एविक्ट हो गई, लेकिन फिर से इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई गई जो एंड तक चली। वेल, कहा गया कि प्राची देसाई ने एकता कपूर से अपनी पावर यूज करवा के वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री ली थी। जी हाँ, उस दौरान एकता कपूर और प्राची देसाई की दोस्ती के बहुत चर्चे थे। इनफैक्ट जहां भी एकता कपूर होती थी, प्राची देसाई उनकी फेवरेट गर्ल गैंग का हिस्सा थी, और एकता कपूर की पार्टीज में एक परमानेंट नाम थी प्राची देसाई। यही कारण था कि जब प्राची देसाई को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की तरफ आना था, तब भी उन्हें ग्रूम किया एकता कपूर ने। जी हाँ, एकता कपूर ही वो है जिन्होंने प्राची देसाई को बानी के रूप में पहचान दिलवाई और अब वो उन्हें बड़े पर्दे की तरफ ले जा रही थी। तब एकता कपूर के कजिन एक फिल्म बना रहे थे, रॉक ऑन ये फिल्म थी। अर्जुन रामपाल इस फिल्म का हिस्सा थे, फरहान अख्तर इस फिल्म का हिस्सा थे, और इस फिल्म को एकता कपूर के कजिन अभिषेक कपूर बना रहे थे, और तब एकता कपूर के रेकमेंडेशन पर ही प्राची देसाई को रॉक ऑन फिल्म में काम मिला। इस फिल्म में एक बार फिर से वो सीरियस रोल करते हुए नजर आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। रॉक ऑन फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी दिया गया, और इसी फिल्म से प्राची देसाई ने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी छाप छोड़ दी थी। इसके बाद वो हमें नजर आई फिल्म लाइफ पार्टनर में। इस फिल्म में वो गोविंदा जैसे एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई। इस फिल्म में वो हमें नजर आई थी तुषार कपूर के वाइफ के किरदार में, और इसके बाद प्राची देसाई को दिया एकता कपूर ने एक बार फिर से बहुत बड़ा ब्रेक अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में।
इस फिल्म में लीड एक्टर थे अजय देवगन, प्राची देसाई इस फिल्म में थी, कंगना रनौत थी इस फिल्म में और इमरान हाशमी भी इस फिल्म में थे। इमरान हाशमी के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती है प्राची देसाई इस फिल्म में। साथ ही इस फिल्म में उनका लुक थ्रू आउट रेट्रो था। 70s का किरदार निभा रही थी प्राची देसाई इस फिल्म में और वाकई में जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को ढाला था वो एक बार फिर से दिल जीतती नजर आई थी। और ये फिल्म भी क्रिटिकली भी अक्लेम थी, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। प्राची देसाई की फैन फॉलोइंग जो टीवी पर थी उसी तरह की फैन फॉलोइंग अब उनकी फिल्मों में भी हो रही थी और यही वो टाइम था जब प्राची देसाई की अजय देवगन के साथ भी दोस्ती हो गई और तब अजय के थ्रू ही प्राची देसाई को मिली फिल्म बोल बच्चन। प्राची देसाई अपनी हर एक फिल्म से अपने आप की इमेज को बदलती नजर आ रही थी। वो सीरियस रोल से धीरे धीरे हल्की फुल्की कॉमेडीज करते नजर आ रही थी और अगर बात करें बोल बच्चन फिल्म की तो ये तो फुल ऑन कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म को बना रहे थे कॉमेडी फिल्मों के बादशाह यानी कि रोहित शेट्टी। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, आसिन और कृष्णा अभिषेक भी थे और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान में की गई। फिर जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस दौरान कहा गया कि फिल्म के सेट पर प्राची देसाई के साथ काफी प्रैंक्स किए गए क्योंकि रोहित शेट्टी के फिल्मों के सेट पर अक्सर प्रैंक्स किए जाते हैं और रोहित शेट्टी का नेचर रहता है कि कोई भी नया एक्टर आता है तो उन्हें रोहित शेट्टी के प्रैंक टेस्ट को पास करना होता है। तो इसी तरह से उन्होंने प्राची देसाई के साथ भी बहुत मजाके की और हर बार प्राची देसाई अपने आप को इनोसेंट साबित करती हुई नजर आई। यही वो टाइम था जब रोहित शेट्टी का दिल प्राची देसाई ने जीत लिया था और कहा गया कि इस फिल्म की राजस्थान की शूटिंग के टाइम रोहित शेट्टी ना सिर्फ प्राची देसाई को स्पेशल इम्पोर्टेंस देते थे बल्कि वो प्राची देसाई के साथ शॉपिंग और डिनर्स के लिए भी जाया करते थे। यानी कि मुंबई से वो आई थी लीड एक्ट्रेस बनकर लेकिन अब बन गई थी डायरेक्टर की खास। कहा गया कि इस वक्त रोहित शेट्टी अपनी पर्सनल लाइफ में एक टिफ से गुजर रहे थे, उनकी वाइफ के साथ कुछ खास नहीं जम रही थी और तभी प्राची देसाई के साथ कुछ टाइम के लिए रोहित शेट्टी इन्वॉल्व हो गए थे। इतना ही नहीं, राजस्थान के फिल्म शेड्यूल को खत्म करने के बाद जब रोहित शेट्टी और प्राची देसाई मुंबई लौटे तो रोहित शेट्टी प्राची देसाई के घर पर ही शिफ्ट हो गए। हालांकि इन दोनों ने अपने इस रिश्ते को बखूबी छुपाया, कभी भी मीडिया के सामने ये रिश्ता नहीं आया, साथ ही ये दोनों साथ भी नजर नहीं आए। लेकिन दबी जबान में सब जानते थे कि फिल्म के सेट पर और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। और अब प्राची देसाई जो इतने टाइम एकता कपूर को अपना मेंटोर मानती थी उन्हें अब मिल गए थे गॉडफादर रोहित शेट्टी के रूप में। अब प्राची देसाई को अपने करियर के बारे में सोचना ही नहीं था क्योंकि वो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट कैंप में आ गई थी। जिस वक्त प्राची देसाई बोल बच्चन शूट कर रही थी उसी दौरान रोहित शेट्टी ने प्राची देसाई को सिंघम रिटर्न्स भी ऑफर कर दी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें थी प्राची देसाई के सिंघम में काम करने की। लेकिन तब अजय देवगन चाहते थे कि आसिन इस फिल्म का हिस्सा हो। जिस वक्त प्राची देसाई को इंडस्ट्री में एक गॉडफादर मिल गए थे, वहीं अगर बात करें उस माँ की जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में जन्म दिया यानी कि एकता कपूर की, तो उस दौरान प्राची देसाई और एकता कपूर के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। कहा गया कि एकता कपूर ही वो थी जिसने प्राची देसाई को एक्ट्रेस बनाया और ये पहचान दी बानी के रूप में, और एकता कपूर ने ही एक्ट्रेस बनाने के लिए प्राची देसाई के लिए आगे से आगे सीढ़ियां तैयार की। लेकिन रोहित शेट्टी के कैंप में आने के बाद प्राची देसाई और एकता कपूर की कुछ खास नहीं बनती थी और इसका पता तब चला जब एकता कपूर ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की स्टारकास्ट फाइनलाइज की और उस फिल्म में प्राची देसाई का कहीं नामो निशान ही नहीं था बल्कि इस फिल्म में एकता कपूर ने प्राची देसाई की जगह ले लिया था सोनाली बेंद्रे को। और यही वो टाइम था जब मीडिया में इन दोनों के लड़ाई की खबरें सामने आ गई। लेकिन प्राची देसाई बॉलीवुड का हिस्सा थी, वो रोहित शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में थी और रोहित शेट्टी को जाना जाता है इंडस्ट्री में अपने रिलेशनशिप के लिए। वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर तो है ही और बहुत अच्छे इंसान भी है, कभी भी बॉलीवुड में रिश्ते नहीं खराब करते हैं। उन्हें पता है कि बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए सबसे रखनी पड़ती है, फिर चाहे आप पर्सनली उसे पसंद करो या ना करो। यही कारण था कि तब रोहित शेट्टी के कारण ही एकता कपूर और प्राची देसाई में फिर से पैचअप हुआ और फिर जब एकता कपूर ने अपनी ईद पार्टी रखी तो उस पार्टी में बहुत टाइम बाद फिर से नजर आई उनकी फेवरेट गर्ल
प्राची देसाई। वैसे रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि प्राची देसाई ने एकता कपूर से पैचअप इसलिए किया क्योंकि एकता कपूर से दूर होने के बाद उनका करियर जीरो पर आ गया था। एक्चुअली फिल्म बोल बच्चन के बाद प्राची देसाई ने अपने दम पर कुछ फिल्में की थी। ये फिल्में थी आई मी और मैं और पुलिस गिरी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और तब कहा गया कि प्राची देसाई एकता कपूर के बिना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 2013 खत्म होते होते तो प्राची देसाई और रोहित शेट्टी के ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी। कहा गया कि इन दोनों की फैमिलीज को ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। यही कारण था कि इन दोनों को फिर से अपने अपने रास्ते निकलना पड़ा, जहां रोहित शेट्टी फिर से चले गए अपनी फैमिली के पास, अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के पास। और रोहित शेट्टी के जाने के साथ ही प्राची देसाई के पास जो फिल्मों के ऑफर थे रोहित शेट्टी के थ्रू, वो सब भी चले गए और एक बार फिर से प्राची देसाई घूम फिर के वहीं पर आ गई जहां से उन्होंने शुरू किया था। यानी कि इंडस्ट्री में थी, काम नहीं था और मेंटोर एक बार फिर से एकता कपूर ही थी, जिनके साथ टूटे हुए रिलेशन अभी ही बनने लगे थे। जब प्राची देसाई की फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी और हाथ में कोई भी फिल्म का ऑफर नहीं था, तब एक बार फिर से मदद किया एकता कपूर ने ही। जी हाँ, एकता कपूर के प्रोडक्शन की फिल्म बन रही थी एक विलेन, और इस फिल्म में एकता ने एक बार फिर से प्राची को चांस दिया। इस फिल्म में प्राची को एक आइटम नंबर के लिए चूज किया गया था और इस आइटम नंबर के दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तब जब इस आइटम नंबर में प्राची देसाई को बहुत ही सेंसुअस लगना था। अब तक प्राची देसाई ने जितने भी रोल्स किए थे वो गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप के सिंपल और सोबर लड़कियों वाले ज़्यादा थे, लेकिन अब इस आइटम नंबर से प्राची देसाई का एक हॉटनेस और सेक्स अपील वाला क्वेश्चन दिखाया जा रहा था। यही कारण था कि इस सॉन्ग में हॉट दिखने के लिए प्राची देसाई को कॉस्ट्यूम वालों ने सिलिकॉन इम्प्लांट्स दिए, लेकिन प्राची देसाई ने ये इम्प्लांट्स लगाने से मना कर दिया और वो इतना गुस्सा हो गई कि खुद को वैनिटी वैन में बंद कर दिया। कई घंटों तक वो वैनिटी में ही रही। फाइनली एकता कपूर के समझाने के बाद ही प्राची देसाई राजी हुई और उन्हें समझ आया कि फिल्मों में ये सब फिल्म मेकिंग का हिस्सा है, और तब उन्होंने वो इम्प्लांट्स भी यूज़ किए और इस सॉन्ग को भी शूट किया। धीरे धीरे प्राची देसाई की अपेयरेंस में काफ़ी चेंजेस आने लगे। वो पहले गर्ल नेक्स्ट डोर दिखती थी, लेकिन अब एक हॉट बेब की तरह नजर आने लगी थी। काफ़ी बोल्ड फोटोशूट्स कर रही थी और काफ़ी बोल्ड कपड़े भी पहन रही थी। इसी दौरान कहा गया कि प्राची देसाई ने ज़रूर लिप जॉब और बॉडी में कुछ करवाया है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए और अपने आप को सेक्सी दिखाने के लिए। लेकिन प्राची देसाई ने इन सभी बातों को नकारा है और कहा है कि ये सिर्फ रूमर्स है। 2016 में एकता कपूर ने फिल्म बनाई अजहर, और इस फिल्म में एक बार फिर से प्राची देसाई को उन्होंने चांस दिया। प्राची देसाई को ये चांस तो मिल गया था, लेकिन इस फिल्म से प्राची देसाई कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। इनफैक्ट इस फिल्म से ऑडियंस ही कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं हो पाई। इसी दौरान प्राची देसाई की बहन भी इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रही थी। जी हाँ, एशा देसाई, जो कि खुद फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर चुकी थी और आगे MBA कर चुकी थी, वो एक फिल्म में काम कर रही थी, लेकिन उस फिल्म को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, ये कहकर कि उनके शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उनके हस्बैंड और उनके इन-लॉज नहीं चाहते हैं कि वो फिल्मों में काम करे। तो इस तरह से प्राची देसाई की बहन भी एक बार इंडस्ट्री में आते आते रह गई थी। अजहर के बाद प्राची देसाई हमें नजर आई रॉक ऑन 2, लेकिन ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वो कार्बन करके एक शॉर्ट फिल्म में भी नजर आई, और उसके बाद प्राची देसाई कहीं नजर ही नहीं आई। बीच में प्राची देसाई की खबरें बहुत थी, जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था। वो एक गर्ल नेक्स्ट डोर से इमेज तोड़कर बेब बन गई थी और उनके काफ़ी फोटोशूट्स भी हुए थे, लेकिन उसके बाद ना प्राची देसाई को कोई फिल्म ऑफर हुई और ना ही प्राची देसाई की कोई खबरें हैं। वैसे कहा जाता है कि इस दौरान प्राची देसाई कुछ साउथ की फिल्मों में काम कर रही है जो अब जाकर रिलीज होगी, और कहा जा सकता है कि इन फिल्मों के रिलीज के बाद ही प्राची देसाई एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाएगी। वो प्राची देसाई जिन्होंने अपने 12th की पढ़ाई छोड़कर कसम से में काम किया था, टीवी सीरियल से वो फिल्मों में आई थी, फिल्मों में वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम कर रही थी, वही प्राची देसाई आज बॉलीवुड से गायब है और उनके पास कोई भी फिल्में नहीं है। प्राची देसाई को बॉलीवुड में चांस दिया था एकता कपूर ने, जो आगे चलकर उनकी मेंटोर भी रही। वहीं जब प्राची देसाई फिल्मों में गई तो उन्होंने रोहित शेट्टी को अपना गॉडफादर बना दिया, लेकिन जैसे ही एकता कपूर या रोहित शेट्टी दोनों में से किसी का भी हाथ
प्राची देसाई के ऊपर से उठा तो वो अपने करियर से ही भटक गई। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो प्रूव करते हैं कि बॉलीवुड में अगर आपको लंबे समय तक आगे चलना है या काम करते रहना है, अच्छा हो या बुरा वो तो ऑडियंस पर डिपेंड है, लेकिन आपको हमेशा काम करते रहना है तो उसके लिए आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी है, जो हमें प्राची देसाई के करियर में देखने को मिला। जब वो गर्ल नेक्स्ट डोर के किरदार कर रही थी, सलवार सूट और साड़ियाँ पहन रही थी, तब भी वो सबसे बिजिएस्ट एक्ट्रेस थी और टीवी की टॉप एक्ट्रेस थी। फिल्मों में आने के बाद जब तक वो रोहित शेट्टी के या फिर एकता कपूर के साथ थी, तब तक उनकी गाड़ी चलती रही। लेकिन जैसे ही इन दोनों में से कोई भी एक इनकी जिंदगी से गया, उसके बाद प्राची देसाई को फिल्में ही ऑफर होना बंद हो गई। फिर भले ही प्राची देसाई ने शॉर्ट स्कर्ट्स क्यों नहीं पहनी हो या फिर टाइट टॉपर्स क्यों ना पहने हो। और हाल ही में प्राची देसाई को लेकर जो खबरें आई थी उससे कंफर्म हो जाता है कि प्राची देसाई इस इंडस्ट्री में थी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटोर एकता कपूर या फिर रोहित शेट्टी के दम पर, क्योंकि अभी जब प्राची देसाई के पास काफ़ी टाइम से काम नहीं था तब खबर आई थी कि एकता कपूर एक बार फिर से प्राची देसाई को चांस दे रही है और अब प्राची देसाई फिर से नई इनिंग्स की शुरुआत करेगी टीवी से, टीवी सीरियल कवच से, जिसमें राम कपूर के साथ साथ साक्षी तंवर भी नजर आने वाले हैं। कुछ इस तरह की खबरें प्राची देसाई को लेकर आई थी। वेल, आपको क्या लगता है, प्राची देसाई एज एन एक्ट्रेस बॉलीवुड में इतना काम करने के बावजूद भी क्यों सस्टेन नहीं कर पा रही है? क्या वाकई में ये बात सही है कि जब जब उन्होंने कैंप बदले या फिर उनके गॉडफादर या उनके मेंटोर का हाथ उनके सर से उठा तो उनके पास काम नहीं था, या फिर एज एन एक्ट्रेस वो अपने आप को ठीक से साबित नहीं कर पाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।